पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर में रविवार तड़के पाकिस्तान की तरफ से चार भारतीय चौकियों पर मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं पाकिस्तान की ओर से जासूसी के लिए भेजे गए करीब 150 कबूतरों को भी पकड़ा गया है। सेना ने इन्हें एनजीओ को सौंप दिया है। फिलहाल इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से करीब 27 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। 14 अक्टूबर को श्रीनगर के बाहरी इलाके में आतंकियों ने सशस्त्र सीमा बल के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में एक जवान शहीद हुआ था जबकि 8 अन्य जख्मी हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन ने ली थी और भविष्य में भी इसी तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की धमकी भी दी थी। एक तरफ पाक पीएम नवाज शरीफ कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बातचीत करने की बात कह रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर लगातार पाकिस्तान सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है। पाक को यह समझना होगा कि वार और बात एक साथ नहीं हो सकते। देखते रहिए डीबी लाइव।